हेलो हाय, टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में वेलकम है आप लोगों का। आज मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है इस रिश्ते के लिए। चाहे आप एक्स के लिए देख रहे हैं, चाहे आप नेक्स्ट के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, वो इंसान आप उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ओके, देखिए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है कि अभी भी ये इंसान जो है इनडिसाइसिव है। इसको लगता है क्रॉस रोड पे खड़ा है, इसको लगता है आप इसकी जिंदगी से, आप इसको सिर्फ एक झूठा जेस्चर दिखा रहे हो, लेकिन आप जो है आपको इसने खो दिया, इसको ऐसा लग रहा है। आपको ये स्टॉक कर रहा है, इसका नेक्स्ट एक्शन जो है वो ये एक आप बहुत प्रेयर मांग रहा है कि आप जो है इसकी लाइफ से ना जाएं, जहां पे ये बैलेंस नहीं बना पाया अभी तक। इसको लग रहा है कि अब जो है जो हमारा इतने जो रिसेंटली भी हो सकता है आपका इस इंसान से कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है हुआ हो, फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही है। ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखो, अभी तो ये बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहा है, आपको इतना बहुत ज्यादा याद कर रहा है, और ताकि आप इसकी लाइफ में, ताकि नहीं डेलिब्रेटली नहीं, वैसे ही आपकी लाइफ, आप इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे, इतना सोच रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा, इसलिए जो है क्योंकि करंटली ये फोकस, मैंने बताया ना जैसा कि इसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है जिस पे ये ज़्यादा फोकस कर रहा है अपने करियर की, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, आपके लिए पैशनेट है, एक फुलफिलमेंट आपके साथ महसूस करता है ये। यहाँ पे सन का कार्ड जो है मुझे रिवर्स मिला है, जो मुझे ये बताता है कि जिस तरह का आप इस इंसान से कमिटमेंट चाह रहे हैं, वो अभी तो ये इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा, लेकिन ये प्रेयर मांग रहा है, ये डिवाइन से प्रेयर, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट है, आपके साथ फैमिली इसकी नहीं है, इसकी अपनी फैमिली है, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, पैसे वाला अथॉरिटी फिगर हो सकता है। ये इंसान अभी जो है अपनी फैमिली में भी बहुत ज्यादा, एक तरह से जैसे एक होता नहीं इंसान जिसकी कोई क्या कह सकते हैं, मतलब अभी फैमिली के भी बहुत ज्यादा ट्रबल्स मसले चल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेयर्स मांग रहा है कि आप जो है, चाहे ये आपको जेस्चर कोई भी दिखा रहा है, लेकिन ये आपको मांग रहा है कि आप इसकी लाइफ में रहो, स्टेबल रहो, कहीं चले ना जाओ, ठीक है जी। अब हमारा पूछना क्वेश्चन था कि इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो आपको स्टॉक तो कर रहा है ये बंदा, नेक्स्ट एक्शन के लिए डिवाइन कार्ड दे। ओके, देखिए थ्री ऑफ एयर है, बहुत दुखी है ये इंसान, इसको लग रहा है कि आप चले गए हो, दुखी है, आपने आपने इसको धोखा दे दिया है, डिस्ट्रैक्ट है, लेकिन आप में ही स्टक है, आप ही चाहिए इसको। नेक्स्ट एक्शन बताइए भगवान जी क्या करेगा, ये आपके लिए इमोशनल हो रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, आपको कोई कॉल टेक्स्ट करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, आपको कोई क्लैरिटी देगा ये इंसान, मे बी हो सकता है इन 8 days। ओके, तो इसका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है, चॉइसेस है इसके पास, इसको लग रहा है आपके पास बहुत चॉइसेस है, इसको लग रहा है आपने इसको थर्ड पार्टी में डाल दिया। ओके व्यूअर्स, तो ये था कि आपके पर्सन का, जिस रिश्ते में आप हो उसकी करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है जी।